बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शाम का वक्त होते ही सब घरों में एक शोर शुरू हो जाता है और फिर हो जाता है चाय का दौर शुरू। तो दोस्तों, आज मैं भी आपको एक कड़क चाय की रेसिपी देती हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की है रेसिपी। तो दो कप, क्योंकि हम दो लोग चाय पियेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे दो कप लिए हैं दूध, और मैं अब इसमें ऐड करूंगी दानेदार चाय, टपाल की दानेदार पत्ती। और मैंने, क्योंकि मेरे पास एज यूजल छोटे स्पून होते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन छः चम्मच पत्ती के। और चीनी जो है वो मैं हसबे जायका लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ से हाफ कप जो है वो चीनी इस्तेमाल करूँगी, यानी कि एक बड़े कप के अंदर दो टेबल स्पून। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल करेगा। तो अब मैंने चीनी डालने के बाद उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो रहा है। तो चाय में आ गया है जोश, इसको हम कर देंगे हल्की आंच, और इसको हल्की आंच पे हम पकाते रहेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे, और इसमें मैं डालूंगी तीन से चार छोटी इलायची। छोटी इलायची का अपना एक जायका होता है और अपनी खुशबू होती है। देखिएगा, जैसे ही छोटी इलायची को आप डालेंगे तो चाय, जब आप इसको पियेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाय का टेस्ट कितना डिफरेंट है। तो देखिए आप, थोड़ी देर इसको मैं पकाऊंगी कि ये कड़क हो जाए। देखिए, अब चाय में अच्छा खासा जोश आ चुका है और चाय हो गई है बेहद कड़क। चलें अब इसको कप में निकालते हैं।